हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो गाइस, बस थोड़ा रेडी हुई हूँ, कहीं जाना भी था तो इसलिए। तो गाइस, आज का आउटफिट मेरा ये है। सो गाइस, बस बच्चे स्कूल गए हैं, वो आए लेकिन जायना गई नहीं। जायना का टूर था बाहर बहुत दूर, ठंड की वजह से हमने उसे जाने नहीं दिया, तो उसकी छुट्टी है इसलिए वो नहीं। तो सो गाइस, बस ओ इस पे क्या बन रहा है, ये तो ध्यान भी नहीं दिया मैंने। ओह नो, कोई पक्षी बन रहा है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही पहन लेंगे आने जाने में, क्योंकि इसे नमाज नहीं होगी इसमें। सामने कोई शायद बैंड पाए, अच्छा हुआ जो आ गए हो, क्योंकि पता है क्या हो रहा है कि हम जैसे वॉक वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब सामने रेंट पर आ गए हैं कोई, तब सही रहेगा। तो अच्छे से और भी ज़्यादा वॉक हो जाएगी। वैसे वॉक करने से मेरा कम से कम 4 किलो वज़न कम हुआ है, देख सकते हो आप। लेकिन जब अपने आप को देखते रहते हैं तो पता नहीं लगता, जब दूसरा देखता है ना तो जब पता लगता है कि हाँ हम मतलब हम इतने इतने उसमें है, वज़न हमारा कम हो रहा है, जब पता लगता है। मैं वज़न हमारा बहुत ज़्यादा कम है ना, लेकिन वैसे पता नहीं लगता है कि वज़न कितना है कितना नहीं है, लेकिन वैसे लग जाता है। सो गाइस, तो मुझे मैं आज इतनी हैप्पी हूँ सामने लाइट में, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से वो क्या होता है, ये लाइटें वगैरह सब ऑफ कर देते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उसमें रोड पर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन अब सामने आ गए हैं ना, अब और ज़्यादा वो मतलब ऐसा हो रहा था 1 घंटे के बजाय अब हो रहा था जल्दी से चलो, डर सा लगता था, अब 2-2 घंटे करेंगे। तो गाइस, बस बच्चे आ रहे हैं, बच्चे मस्ती करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं थोड़ा, मैं मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? ओ बच्चे आ जाओ इधर, आओ बच्चे हैं, बच्चे को बेचारे को ब्लॉग्स बनाने का बहुत अच्छा लगता है। लो हाय करो, आ जाओ, आओ इधर को। तो बच्चे बेचारे, लो जल्दी आ जाओ, छोटे छोटे गली के बच्चे। हाय गाइस करो, लो हाय गाइस करो, हाय गाइस, हाय गाइस। सो गाइस, तो तुलू सा है यो करा हाय दाइत। सो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मम्मा देखो मेरा मोबाइल। मेरा मोबाइल, मोबाइल तो मेरे। सो गाइस, ये है ना, पहले उस पर मैंने 4 उसका लिया था, 4000 का सैमसंग है। और देखो अब तक चलो है, मतलब कम से कम कितने साल हो गए होंगे इसे, 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए होंगे इसको। और देखो आज आज भी चल रहा है, थोड़ा इन्होंने इसका ऊपर का वो तोड़ दिया है, वैसे चल रहा है। तो चलो कोई नहीं, अच्छा होता है। पापा जी हर चीज़ संभाल के रखते हैं, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसे संभाल के रख रखा है। लेकर आए डुगू, कह रहे मम्मा आपका मोबाइल है, मैंने कहा और नो, मतलब इतने साल पुराना पापा जी ने संभाल के रखा है। तो होना चाहिए ऐसा, घर में एक आदमी ऐसा होना चाहिए, हर चीज़ संभाल के रखनी चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, हम थोड़ा रेडी, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, 10 बज रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना जल्दी वो हो जाते हैं, तो इसलिए। तो आज मैंने इसे बोला कि जाइना को लंच कर लो, तमन्ना लंच ले गई, वो करी चलो जल्दी कर लो, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा लेट हो जाता तो वो नहीं। तो कह रही मैं थोड़ा रील बना रही थी ऊपर, तो बोली कि नहीं मुझे तो मम्मा के हाथ से खाना है। तो सो गाइस, तो आज हम इसे अपने हाथ से ही खिला के छोड़ेंगे। जो कह रही नो, मतलब मुझे परेशान करना था, ऊपर से बुलाना था, तो अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं है ना एक ही अपने हाथ से ज़रूर खिला के देखूँगी। सो गाइस, जाइना लो, एक ले लो बस, फिर छूट जाओगी, आज मैं वो पूरा करूँगी। चली जाओ ऊपर, देखो गाइस कहाँ जा रही, ऊपर चली गई। जाइना नीचे आ जाओ। सो गाइस, मतलब ये अपना आप खाती है, आज इसे इतनी बड़ी जिद हुई, गरीब मम्मा के हाथ से लंच करना है मुझे। सो गाइस, तो कमेंट में बताना किस किस के बच्चे जिद करते हैं, कैसे करते हैं। मैं सबको टिप देती हूँ बच्चों की, यूँ पता नहीं मेरे बच्चे ही मुझसे वो करते हैं, कंपेयर करते हैं।
लो। अच्छा चलो ट्यूशन चलो, कोई नहीं। सो गाइस अब दो दो टाइम का इनका ट्यूशन है। लो हम भैया को खिला देते हैं बड़े प्यार से। ये मेरा बहुत ज्यादा, वाह देखो ये खा लिया है। इधर आओ, हाय तो कर दो, बहुत दिन हो गए आपने हाय नहीं किया। हाय गाइस, हाय गाइस, मेरी मम्मा के लिए लाइक शेयर कमेंट करो। शर्मा गया है। तो गाइस बस काफी दिनों से रील बन रही थी, व्लॉग्स बनानी, तो सोचा आज बनाए, कल से कंटिन्यू था ये। अब आ गई है, देखो इतनी वो हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है। असल में इसकी भी गलती नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो है। क्यों चिल्ला रहे हो है? थोड़ा वो हो रही है, बस मैं बाहर से छोड़ूंगी। सो गाइस ये आज इसकी बना ले, पहले तो फिर शो भी तो सुपर की तरह भागूंगा। वैसे गाइस ये वैसे तो बोलती नहीं, आज जाए वो लोग से स्टार्ट होता है ना, इसकी जबान स्टार्ट हो जाती है। मैं सुपर की तरह भाग। चलो ये कह रहा है कि मुझे ट्यूशन छोड़ गाओ, तो चलते हैं इसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। गाइस इनको हम ट्यूशन छोड़ के आते हैं, क्योंकि गली में बहुत ज्यादा डॉगी रहते हैं, इसलिए तो आज भैया के भी जिद है मुझे ट्यूशन छोड़ का हो। बोलेंगे उनके अंदर तक छोड़ का ना, मैंने कहा नहीं बाहर बाहर छोड़ के। चलो जल्दी, टॉयलेट भी अभी आना था इसका। गेट खोलो, चलो जा रही है ट्यूशन, चलते हैं आराम आराम से चलना। डोगी तो है भी नहीं, आओ चलो आज। वो बैठे है बाकी डॉगी बैठे है। आराम आराम से, वो तो मुझे पता है कुछ ना कुछ करते हैं ये। अब कॉपी भूल गए हैं भैया, बस मैं उरे तक छोड़ूंगी, आगे शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा जेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम उरे से ही छोड़ के आ जाएंगे। आ जाओ जल्दी भैया। सो गाइस हमारा ये देखो, बिट्टू को भी जिद हुई है, मुझे भी जाना है बच्चों को छोड़ने। कहाँ जाओगे? देखो इसके तमन्ना के पीछे उतर नहीं रहे हैं, जो कह रहे मुझे भी जाना है। आ जाओ चलो, पर लेकिन डर लगता है कि कहीं इसको होना हो जाए। यार शादी हो रही, ओए डॉगी बच्चों क्यों परेशान करते हो हैं? इसको तो खुद अपनी ही नहीं खबर है भी। चलेगा बस यहीं तक ही छोड़ दे। सो गाइस बहुत ज़्यादा वो सूरज भी सामने ही पड़ा है। बस आ जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा शादी हो रही, बहुत ज़्यादा मेहमान वगैरह हो रहे हैं। तो गाइस माशाल्लाह से हरी हरी फुलवारी कितनी अच्छी हो रही है। सो गाइस बस छोड़ आए हैं। बहुत ज्यादा हो रही है, कहाँ गए बिट्टू? कितने शैतान हो रहे हैं, कहाँ जाना था आपको? ये देखो ये अब क्या मिल गया, ओए आला ले रही हो आला। डॉक्टरी करोगे? आम में भी असर आएगा, डॉक्टरी का है ये देखो। ओहो क्या हो रहा है, ये डॉक्टरी का वो चेक कर रहे हैं। बिट्टू ओए बिट्टू। सो गाइस मिलते हैं आपसे ज़रा थोड़ी देर बाद। तो देखो ये आंटी को लग रहा है ये दोनों सो रही हैं, इनके एग्ज़ाम है, बट इसे देखो इसे देखो और इसे देखो, ये देख रही है फोन, देख रही है, देखो देखो सोने की एक्टिंग, एग्ज़ाम से बचने के बहाने दोनों के दोनों फ़ोन देख रही हैं। आंटी से बता रही है अभी बहुत तो एग्ज़ाम की तैयारी, देखो और यहाँ पर इन्हें देखो, ये बिट्टू जी क्या कर रहे हैं। हेलो कैसे हो आप,
कह दो हेलो गाइस मैं ठीक हूँ। अब आंटी के पास चलते हैं, देखते हैं आंटी किचन में क्या कर रही है। तो गाइस देखते हैं आंटी क्या कर रही हैं। हेलो आंटी, क्या कर रही हो? ये बना रही हूँ पलंग तोड़। इसे कहते हैं पलंग तोड़ स्वीट, एक मिठाई होती है। अच्छा, और डिनर में क्या बना रही हो? वो तो पनीर भुजिया बन जाएगी। अच्छा, तो गाइस हमारे ऐसा होता है कि अक्सर दूध बचा रहता है, दो तीन दिन का दूध इकट्ठा कर ले तो कोई सी भी स्वीट बना लेते, तो कितने दिन से कभी कुछ बना ले कभी कुछ बना ले। तो आज मैंने सोचा कि आज पलंग तोड़ बनाया जाए, ये भी एक स्वीट होती है, मतलब बहुत ही यम्मी यम्मी सी होती है, तो वो बना। सब बनाते कैसे हैं? बस इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ऐसे दूध डालो और बराबर की चीनी डाल के और इसमें कद्दूकस करके गोला जो नारियल होता है वो डाल दो, थोड़ा मोटा मोटा सा कट करके डाल के और इसे ऐसे ही उस पे तवे में कहीं में ऑयल लगा के बस ऐसे जमा दो। अच्छा, उसके डेकोरेशन के लिए कसा हुआ जो गोला होता है उसे ऐसे ऐसे वो कर दो, बन जाता है। अच्छा, तो आंटी एक और बात पूछो पूछो या आप सर वो ये पूछना था, ये आप सर पर दुपट्टा ऐसे बांध कर किचन में आती हो, मतलब इसका क्या होता है ना? हाँ, पूछना चाहते सबसे पहले क्या होता है जब आप इंसान किचन में आता है ना, तो क्या होता है कि जब खाना वगैरह बनाए तो खाने की, अगर जो नंगे सिर लेडीज खाना बनाएगी तो खाने की बरकत उड़ जाती है। ऐसे सर ढक के रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी होता है कि बाल वगैरह ना उसमें सालन में रोटी में ऐसे आ जाए, तो इसलिए चलो वो भी कुछ नहीं है। मेरे मैं जब आती हूँ तो बाल फोल्ड भी कर रखती हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लेडीज को जब भी किचन में कुछ भी बनाना हो सर ढक के बनाना चाहिए, तो खाने की बरकत रहती है। अगर जो मान लिया सब्जी हमने थोड़ी हो रही है तो अल्लाह मियाँ की बरकत से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अक्सर जब भी आज से नहीं, मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ, जब भी मैं किचन में आती हूँ ना ऐसे रख के आती हूँ। ओके, अच्छा जी। और ये और ये कितनी देर में बनेगा? बस ये रेडी है, थोड़ी देर लगेगी, बस अब हो जाएगा 5-8 मिनट में। जब रेडी हो जाएगा हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये पकने की उस पे है तैयारी पे, बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि और ज़्यादा सुनहरा सुनहरा ब्राउन सा हो जाएगा, डार्क सा, फिर हम इसे उसमें तरे में जमाएंगे और आपको दिखाते हैं, मिलते हैं। ये बन के हो गया रेडी, ऐसे ब्राउन सा हो जाता है ना। तो वो कर रहा अगर मैं अंदर ज़्यादा ही डलता है कि अब देखना ही है ना, सारा झड़ जाएगा। अब मीठा भी कम वो होता है। देखो बिट्टू भी खुशबू से दिखा रहा, बिट्टू को बिट्टू आप भी खाओगे? ये भी बिट्टू भी आ गए, क्या हुआ? खुशबू आ गई है, मम्मा क्या क्या बना रही है देख क्या हुआ है। ओए मम्मा के पास, ओए बस बस काई देखो क्या बना रही है ना। बिट्टू जल जाओगी, ओ नो। अच्छा आ जाओ, आओ हाथ पर आ जाओ, आओ। ओए ओए आई मेरी उंगली तो छोड़ दो, क्यों आए हो, क्यों आए? तो गाइस देखो इसे भी खुशबू आ गई है कि क्या कर रही है मम्मा, देखो कैसे आए हैं, हैं बोलो आस आए हो, हैं चैन नहीं होती है आपको? आपको भी खाना है, आपको भी स्वीट पसंद है, हैं खाओगे? तो गाइस बस इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। जिसने लाइक शेयर कमेंट और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय।